आज हम लोग GUI टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्यों जरूरी होती है और कैसे की जाती है। GUI टेस्टिंग में हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर किस तरह का दिखता है। हमें वर्क करने या इसकी मेन फंक्शनैलिटी जो होती है उससे ज्यादा हमें इसकी लुक्स पे ध्यान देना होता है। ठीक है, आपने फ्रॉम द डे वन जैसे जैसे इंटरफेस बन रहे हैं आप उसके बग्स रिपोर्ट कर सकते हो कि इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या बग्स हैं। तो इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूजुअली ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसी वजह से हम लोग इसके बग्स को इजीली ढूंढ लेते हैं। ना ही ज्यादा डिजाइन में इसको फोकस होता है, मोस्टली क्लासेस ऑब्जेक्ट्स और बैकएंड पे हम लोग फोकस करते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मोस्टली जो है हमें इस तरह के बग्स मिलने आसान होते हैं, और जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस साथ साथ बन रहा होता है हम लोग फ्रॉम द डे वन इसके बग्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसकी हिस्टोरिक ओवरव्यू को देखें तो जैसे पहले डॉस या यूनिक्स होता था तो उसमें होता था कमांड लाइन इंटरफेस, बिल्कुल GUI इंटरफेस नहीं होता था। तो जैसे आगे फिर बाद में विंडोज में और मैक ओएस आया उसमें GUI इंटरफेस होता था। GUI मतलब जहाँ ऐसा इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें मेन्यूज, ड्रैग एंड ड्रॉप, डायलॉग बॉक्सेस, डेस्कटॉप इस तरह के जो है ऑप्शंस दिए गए ताकि यूजर को यूज करने में आसान हो, उसे कमांड्स याद ना करनी पड़े कंप्यूटर से कोई भी वर्क लेने के लिए, उसे सिर्फ मेन्यूज और ड्रैग एंड ड्रॉप को ही यूज करना पड़े। माइक्रोसॉफ्ट GUI गाइडलाइंस जो हैं उनके बेसिस पे ही विंडो एप्लीकेशन बनती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग इंटरफेस के में एक यकसानियत देखते हैं जो भी विंडोज के होते हैं। इसी तरह वेब एप्लीकेशन के लिए यूजेबिलिटी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने। उस गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। और जैसे कि एक मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, आप देखें कभी भी बहुत ज़्यादा लंबी मेन्यू हो तो हमें उससे उलझन होने लगती है। तो उसका ह्यूमन फैक्टर ये है कि ह्यूमन फैक्टर जो ह्यूमन माइंड है वो 5 to 7 एंड 7 to 12 इससे ज़्यादा शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं, तो 5 to 7 से ज़्यादा चीज़ों को याद रखने में उसे मुश्किल होती है। तो ये वजह होती है कि GUI में अगर हम लोग मेन्यू को देखें तो एक मुनासिब की होती है अगर जो यूजेबिलिटी गाइडलाइंस है वो सही से फॉलो की जाए। रेड जो है वो कलर नो के लिए, ग्रीन यस के लिए यूज इसीलिए होता है क्योंकि वो ह्यूमन सर्विस गाइडलाइंस हैं कि हमारा माइंड किन कलर्स पे ट्रिगर करता है। अब बुक्स में जो है वो GUI कंसेप्ट जो है वो रूल्स से ज्यादा है, मोर देन जस्ट रूल्स है। और इसके ऊपर 300 पेजेस की जो ग्राफिक्स है या उसकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर 400 आइटम्स की चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा मिली हुई है ताकि हम लोग उसको टेस्ट कर सकें, उस की टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करते हुए बग रिपोर्ट कर सकें। बुक यही कहती है कि हमारे पास एक चेकलिस्ट होती है उसको हम लोग चेक करते हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग हर एक कंट्रोल की जो है वो डिफाइंड होती है। तो उसको यूज करने के लिए हमें जो है एक सेट करनी पड़ती है जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से एक चेकलिस्ट फॉर ईच कंट्रोल। कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं? आपके बटन्स, आपकी मेन्यू, आइकॉन, टूल बार, ये सारे आपके कंट्रोल्स हैं या डिजाइन एलिमेंट्स हैं। इन डिजाइन एलिमेंट्स को उन चेकलिस्ट के अगेंस्ट जो है वो चेक किया जाता है। तो कोई 400 आइटम्स होते हैं उस चेकलिस्ट में जो कि आपको चेक करने होते हैं फॉर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग ऑफ योर वेब एप्लीकेशन। मसला ये है कि वेब एप्लीकेशंस के GUI पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, ना ही ज़्यादा टेस्टिंग पे फोकस होता है। इस वजह से अक्सर वेब एप्लीकेशन जो हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उनके इतने ज़्यादा बेहतर नहीं होते जितने होने चाहिए। अब हमारे पास GUI की एक
वीक होने की वजह ये है कि हमारे पास जीयूआई किसी भी वेब एप्लीकेशन का इसलिए बेहतर नहीं होता क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनी होती, या हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक्सप्लिसिटली बताई नहीं गई होती क्लाइंट के पास से। तो हमारे पास टेस्ट करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, उसकी ग्राफिक्स है, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं गया होता कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम लोग रिक्वायरमेंट्स कैसे लेते हैं कि इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या हैं, इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, हमारी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग खुद थोड़ा सा जीयूआई अपना टेस्ट करने के लिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सोचते हैं कि हमारे ये स्टैंडर्ड्स होंगे। तो डिस्कशंस, मीटिंग नोट्स और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें जो हैं डिज़ाइन की जाती हैं। अगर हम लोग देखें तो कुछ वेब एप्लीकेशन के जीयूआई के रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग उन कंट्रोल्स जो अगर कंट्रोल्स यूज नहीं होने उनको हम लोग डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट बटन्स हमारे पास अच्छा है कि हो, तो ताकि यूजर को आइडिया हो जाता है कि कौन सा बाय डिफॉल्ट की जो सेटिंग है वो हो जाए, ठीक है। और अब ऐसा भी नहीं है कि सारों में डिफॉल्ट होना चाहिए, तो आपको देखना है कि कौन सी में डिफॉल्ट कोई इनपुट होनी चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही एंटर्ड हो। टैब ऑर्डर होना चाहिए एक लॉजिकल, के आपका लेफ्ट होना है फिर राइट होना है, टैब ऑर्डर जो है वो बिल्कुल उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से आप की एप्लीकेशन में नेविगेशन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डिफॉल्ट वैल्यूज पहले से ही दे दी जाएं, लेबल्स जो हैं वो विद कॉलन जो है आपके कॉलन के करेक्टर के साथ लेबल को ही एंड होता हो, तो इससे जो है आपकी ये बेसिक वेब पेज के रूल हैं या जीयूआई रूल्स हैं जिससे यूजर को समझ आती है कि आपके की एप्लीकेशन बेहतर लगती है और यूजेबल लगती है। तो अब बेसिक टर्म्स जो अगर आप देख लें तो वेब एलिमेंट्स या वेब एप्लीकेशन में जो बेसिक टर्म्स यूज होती है, पुश बटन की यूज होती है, चेक बॉक्सेस के लिए चेक यूज होता है, क्लिक माउस क्लिक को कहते हैं, रिलीज प्रेस होल्ड एंड रिलीज ये कीबोर्ड कीज जो हैं वो यूज होती हैं। ये जब भी हम लोग जीयूआई टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग ये बेसिक टर्म्स ये यूज करते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट कोई भी मेन्यू आइटम या टेक्स्ट जिसमें होना है वो से सिलेक्ट कर देते हैं, फोल्डर टैब टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में एडिट बॉक्स डेटा इनपुट बॉक्स ये सारी टेक्स्ट फील्ड होती हैं। ये सारे वेब एलिमेंट्स के जो हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो यूज। एक चेकलिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि जीयूआई टेस्टिंग कर ली जाए। तो चेकलिस्ट में जो जीयूआई एलिमेंट्स हैं उनको चेक करने के लिए कुछ ऑप्शंस रिक्वायर्ड होते हैं कि हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से ही टेस्टिंग करनी है। तो वो गाइडलाइंस या वो चेकलिस्ट जो हैं वो क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चेकलिस्ट में एक चीज चेक की जाती है कि जीयूआई एलिमेंट्स की साइज, पोजिशन, विड्थ, लेंथ, एक्सेप्टेंस जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। अब साइज क्या है? आइकन का साइज है उसका कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए किसी भी आइकन की। सिमिलरली अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए उसके बारे में इंडिकेशन कोई है कि नहीं, जैसे कि यूजर नेम आपका 15 करेक्टर से ऊपर नहीं होगा इन दिस टेक्स्ट फील्ड, तो आप उसको इंडिकेट कर रहे हैं कि इतनी एक्सेप्टेंस होगी। दैट इज हाउ जीयूआई हेल्प्स टू इंडिकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन। सो अगर आपकी इंटेंडेड फंक्शनैलिटी जीयूआई के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं हो रही तो जीयूआई आपकी थोड़ी बुरी है। तो आपको क्या चेक करना होता है कि चेक यू कैन एग्जीक्यूट द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन यूजिंग जीयूआई, इफ जीयूआई हेल्प्स टू गिव अप्रोप्रिएट फैसिलिटी टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ जीयूआई और यू टू यूज द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन, तो ये आपने चेक करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो है वो आता है कि एरर मैसेजेस, कि एरर मैसेजेस को करेक्टली डिस्प्ले किया गया है कि नहीं, एरर मैसेजेस यूजर को समझ आएंगे कि नहीं, एरर मैसेज में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है, अलार्मिंग है या कॉशन का है, तो येलो या रेड कौन सा कलर यूज किया है, इवन ये भी एरर मैसेज के लिए चेक किया जाता है।
अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है कि हर एक सेक्शन जो है वो स्क्रीन का अवेलेबल है, कौन सी स्क्रीन पे नेविगेट करना है, इसके अलावा जो फॉन्ट है वो रीडेबल है कि नहीं। फॉन्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि कुछ वेबसाइट का जो फॉन्ट है वो किसी ब्राउज़र पे तो रीडेबल होता है, किसी और ब्राउज़र पे रीडेबल नहीं होता, तो उसके बारे में जो है कॉशियस रहना पड़ता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रॉपर अलाइनमेंट ज़रूरी है कि टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं। आप अगर देखें तो ब्राउज़र में आपका टेक्स्ट अगर प्रॉपर अलाइंड नहीं होगा तो यूज़र को जो है वो पढ़ने में दिक्कत होगी कि ये क्या है, कहीं पे कोई लाइन है, कहीं पे कोई लाइन है। तो इसी तरह से पेजिंग, सॉर्टिंग, ये चीज़ें जो हैं, पेजिंग और सॉर्टिंग क्या हो सकती है कि डिस्प्ले करनी है आपने, फॉर एग्जांपल यूज़र चाहता है कि मुझे सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो, तो उसके बारे में भी आपने करना है कि अच्छा ठीक है, ऐसे हम लोग चेक बॉक्स बना देते हैं शो जो है 10 आइटम्स या 20 आइटम्स, तो यूज़र की जो आसानी हो तो वो उतने आइटम्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके अंदर। तो ये एस्थेटिक्स में आता है। इस तरह से जो फॉन्ट है या वार्निंग मैसेजेस हैं उनकी एस्थेटिक्स जो है वो प्लेजिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई काम यस में हो गया है, ओके है, तो यस यू आर रजिस्टर्ड, तो वो ग्रीन में आना चाहिए। रेड में तब आए जैसे मैंने कोई फील्ड छोड़ दी है, तो उसके मैसेजेस जो है वो रेड में आने चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग अपनी वेबसाइट पे कोई इमेजेस वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एस्थेटिक्स भी सही होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन जो है हर ब्राउजर के हिसाब से बेहतर होनी चाहिए, और हमने इमेजेस को भी प्रॉपरली अलाइन करना है जिस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऊपर था, और अपने जीयूआई के सब एलिमेंट्स की प्रॉपर पोजीशनिंग डिफरेंट क्रॉस ब्राउजर्स पे चेक करनी चाहिए कि हर एक ब्राउजर के लिए जो जीयूआई एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली पोजीशनड और अलाइंड है कि नहीं। तो हमारी जो चेकलिस्ट है वो मेजरली इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर ये पॉइंट्स हमारे जो है वो मोस्टली सही हो जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है कि हमारा जो है जीयूआई टेस्टिंग वो परफॉर्म हो गई है। अब अगर एक टास्क आप लोग करके देख लें जो कि आगे मैं चेकलिस्ट को थोड़ा सा डिफाइन करूंगी, बताऊंगी कि क्या चेकलिस्ट होगी, तो वो टास्क ये है कि आप mobileforyou.pk की वेबसाइट पे जाएं, उसके जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अकॉर्डिंग टू दिस चेकलिस्ट देखें कि वो सही से परफॉर्म हुआ है कि नहीं। चेकलिस्ट 1 में लिंक्स को चेक करना है कि अगर आपका कोई लिंक जो है वो पेज पे है तो क्या वो उसे डिजायर्ड पेज पे लेके जा रहा है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट आप विकिपीडिया के पेज पे जाएंगे तो क्या आप वाकई विकिपीडिया के पेज पे जाते हैं। अगर वो विकिपीडिया के पेज पे ले ही जाता है तो विकिपीडिया का वो पेज जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, और अगर लिंक्स जो हैं काफ़ी सारे हैं आपकी वेबसाइट के तो या सारे के सारे इसी तरह से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और अगर वर्क कर रहे हैं तो क्या सब के सब कर रहे हैं, इसको भी मेंशन करना होता है, रेफर करना होता है। अगर ऐसे में लड़ली आपने कोई वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया है तो वो क्या हाइपर लिंक है, उस पर होवर करें तो आपको लिंक के लिए जो अलग से टैग्स पूरे लगाए हुए हैं और आपने और वो हाइपर लिंक हो जाता है। इसके अलावा अगर मेल टू का कोई ऑप्शन है तो क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो जीयूआई में चेकलिस्ट नंबर 1 जो है वो लिंक्स के ऊपर होती है। नेक्स्ट सिमिलर एक है कि हमने सर्वर का इंटरफेस चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि क्या कम्युनिकेशन जो है वेब सर्वर की और एप्लीकेशन की जो है आपस में प्रॉपर हो गई है, कंपैटिबिलिटी जो है सर्वर की, हार्डवेयर की, नेटवर्क कनेक्शन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके अलावा इंटरनल इंटरफेस को आपने देखना है कि आपने जो ये साइट के अंदर प्लगइन्स यूज किए हैं या कोई भी साइट के अंदर प्लगइन्स यूज हुए हुए हैं तो आपने एज टेस्टर देखना है कि क्या उन प्लगइन्स की जरूरत थी, प्लगइन्स के अलावा क्या वेबसाइट काम नहीं कर सकती थी। असल में जीयूआई का क्या होता है कि जीयूआई जितनी ज्यादा ग्राफिक्स आप यूज करते हैं ये रिसोर्सेस कंज्यूम करती हैं, तो उसको भी आप थोड़ा सा मद्देनजर रखते हैं कि हमारे जो प्लगइन्स हैं वो क्या गैर जरूरी तो नहीं है। इसी तरह से कंपैटिबिलिटी हार्डवेयर, सर्वर, सॉफ्टवेयर या नेटवर्क कनेक्शंस की देखते हैं, और अगर कोई एरर आ जाता है, फेलियर आ जाता है तो
उसके लिए कोई प्रॉपर एरर मैसेजेस हैं कि नहीं है, और आपके कोई कार्ड्स पासवर्ड हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर हैं, तो उस पर कोई कॉपी पेस्ट की फंक्शनैलिटी या इस तरह की फंक्शनैलिटी है कि आपने चेक करना होता है। और अगर आप कोई मिडल ऑफ द टाइम साइट में टास्क छोड़ के जा रहे हैं तो वो कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, और इसी तरह के जो है मल्टीपल फंक्शंस यूज होंगे इंटरनल इंटरफेस के लिए। इंटरनल इंटरफेस की चेकलिस्ट के साथ साथ कंटेंट की चेकलिस्ट जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है कि आपके लेटर्स लोअर केस में हैं या उसका अपर केस में है, इसके ऊपर आपके अलाइनमेंट के ऊपर, आपके फॉन्ट साइज के ऊपर, जितनी मैंने आपको डिस्क्राइब की है पहले के चेकलिस्ट में जो मेजर चीजें हैं वो ये होती हैं, उसी तरह से कंटेंट को जो है चेक किया जाता है। इमेजेस, इमेजेस की रेडिबिलिटी, इमेजेस की ग्राफिक्स, उसकी क्विक ऑप्टिमाइजेशन, आपकी कमांड्स जितनी भी इमेजेस की हैं वो इस तरह से इन चेकलिस्ट के थ्रू यूज होती हैं। आप इस तरह चेकलिस्ट को यूज करते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा कि यस नो में कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटरफेस बना है कि नहीं। अगर कोई यूजर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए किस तरह से प्रॉपर मैसेजेस होंगे और स्क्रीन्स होंगी, उसके चेकलिस्ट की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आपको इस चेकलिस्ट के थ्रू मार्क करने में आसानी होगी। कीबोर्ड फोकस, टाइमिंग के ऑप्शन, ये सारे GUI के अंदर आपको फोकस रहना चाहिए कि आपकी विंडो जो है वो ओपन कब होगी, आपके कॉमनली यूज कंट्रोल्स क्या हैं, तो उसमें आप कीबोर्ड जो है वो किस तरह से यूज किया जा सकता है इनपुट में, तो आप इस चेकलिस्ट के थ्रू GUI के टेस्ट कर सकते हो। और डिफरेंट चेकलिस्ट हैं जो कि आप किसी भी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हो, आप ये वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा जो ये एक्सेल शीट के अंदर है जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगी, फॉर टुडे GUI टेस्टिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है इसी चेकलिस्ट के साथ। चेकलिस्ट को आप जैसे ही स्टोर कर लेते हैं अपने पास या परफॉर्म कर लेते हैं तो आपकी कंप्लीशन जो है वो टेस्टिंग की हो जाती है, और उसके बाद जो है फॉलो अप लेते हैं कि अगर आपने कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में कोई चेंजिंग्स कही हैं या कोई चेंजिंग्स रिक्वायर्ड थी तो क्या वो हो गई हैं कि नहीं फ्रॉम द डेवलपर्स, ये फॉलो अप रहता है। अब GUI टेस्टिंग का मैं एक डिसएडवांटेज बता देती हूँ कि क्या होता है। एक तो एक्सटेंसिव चेकिंग है जो कि ज़रूरी भी है, इसके लिए कुछ टूल्स भी यूज हो जाते हैं सिलेनियम वगैरह, लेकिन डिसएडवांटेज तब आता है जैसे जब हम लोगों के पास टाइम आता है रेग्रेशन टेस्टिंग का, तो रेग्रेशन टेस्टिंग करते हुए GUI टेस्टिंग की जो चीज़ें हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपडेशंस हैं या इश्यूज हैं, तो उस वक्त दोबारा से सारी चेकिंग जो है वो करनी पड़ती है क्योंकि कुछ चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो अपडेशंस हैं या एनहेंसमेंट्स हैं या फिर वो इश्यूज हैं। तो ये सिर्फ इसका एक डिसएडवांटेज है, बाकी GUI टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी वेब एप्लीकेशन जो हैं वो यूजबिलिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं पूरी उतर रही होती। दैट्स इट।